So, to ियल टॉपिक होंगे जी डी पी टू ग्रो फ्राम सेवन पॉइंट फाइव टू टाइव परसेंट इन एफ वाई ट्वेंटी ट्वेंटी पाकिस्तान प्लान टू इम्पोर्ट फ्राम इंडिया दादा साहब फालके अवार्ड विद इन अलाउर्स एच वन बी वीजा प्लान

So, दो साल पहले के जो डिसीजन था पाकिस्तान का कि इंडिया से जो भी ट्रेड टाइज है उनको फ्रीज कर दिया जाएगा तो उस डिसीजन को रिवर्स किया गया है और ऐसा ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया है क्योंकि जो भी पाकिस्तान में राइजिंग प्राइसेस हो रहे हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री की जो नीड्स है फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए यह डिसीजन लिया गया है और इसमें इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर अक्रॉस द बॉर्डर जो कि इंडिया से जाएगा वो अलाउ कर दिया गया है एंड ये डिसीजन uh, जो है इट फॉलोज लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर जो अनाउंस uh, की गई है इंडिया और पाकिस्तान द्वारा फ़रवरी में uh, जैसा हमने पिछले वीडियो में uh, फ़रवरी की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि uh, सीज फायर अनाउंस की गई है और एक पीस और स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया पाकिस्तान द्वारा बॉर्डर एरियाज़ पे एंड अ नंबर ऑफ मूव्स अदर मूव्स भी लिए जा रहे हैं uh, ताकि जो डी फ्रीज हो सके टाइज को उनके लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है गवर्नमेंट रिटेन फोर परसेंट इन्फ्लेशन टारगेट फॉर आरबीआई रेट पैनल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स तो सेंटर ने डिसाइड uh, किया है कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको हम फोर परसेंट पे uh, रखेंगे उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ओके फॉर द इवेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स सो इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है तो इट इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ गुड एंड गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी सो जो भी प्राइस राइज हो रहा है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का उसको मेजर करने का करने का एक तरीका है इन्फ्लेशन एंड इट अकर्स वेन प्राइस प्राइस राइज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट रॉ मटीरियल्स वेजेस तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने में सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग एक सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है जो रिवॉल्व करता है अराउंड एडजस्टिंग मॉनिटरी पॉलिसी टू अचीव अ स्पेसिफाइड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन और ये एक बिलीफ पे बेस्ड है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तभी अचीव की जा सकती है जब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके और प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे तो हम कंट्रोल करेंगे इन्फ्लेशन को भी इन्फ्लेशन भी मेंटेन होगी सो ये जो एक्ट है आरबीआई का जो एक्ट है एमेंडेड किया गया है जिसको इसमें इन्फ्लेशन टारगेट का आ, है, जो टारगेट है वो गवर्नमेंट द्वारा सेट किया गया है आ, और आरबीआई के साथ कंसल्ट करके किया गया है और ये हर पांचवे वंस एवरी फाइव इयर्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है तो देखा जाए तो ये मॉनेटरी पॉलिसी एक स्टेटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क है अंडर दी आरबीआई एक्ट नाइनटीन फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी ताकि हम uh, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा ग्रोथ का उसको हम uh, ध्यान में रख के ले सकें ये डिसीजन एंड इसी मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू आर बी आई जो है वो कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन इन द कंट्री सो गवर्नर जो है इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं और इस, इस कमेटी में सिक्स uh, मेंबर्स होते हैं

सो ये का जो भी फॉर्मेशन है और जो मेंबर्स हैं ये इंपॉर्टेंट है सो रिसेंटली साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट आ गई है रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा और इसके अंडर uh, बताया गया है कि जो इंडिया की इकोनोमी है वो ग्रो करेगी 10.1 परसेंट से अप्रैल 1, 2021 का जो ईयर स्टार्ट होगा वहां से क्योंकि वैक्सीनेशन प्रोसेस जो चल रहा है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा असर होगा एक्टिविटीज़ पे, इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स। सो जो एक अनसर्टेनिटी आई थी रियल जीडीपी ग्रोथ में बिकॉज uh, ऑफ महामारी आई है इकोनॉमी में और, और पॉलिसी फैक्टर्स की तो ये जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसका रेंज जो है फ्रॉम सेवन पॉइंट फाइव टू ट्वेल्व परसेंट तक जा सकता है और स्टेबिलाईज करेगा ये एट सिक्स टू सेवन परसेंट इन द मीडियम टर्म सो so, ये जो रियल जीडीपी ग्रोथ है तो जीडीपी जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तो एक होता है रियल जीडीपी दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी थर्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड फोर्थ नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सो नॉमिनल जीडीपी होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड ये क्वार्टरली और एनुअली भी होता है और जो रियल जीडीपी है ये एक नॉमिनल जीडीपी होता है जिसे एडजस्ट किया जाता है फॉर इन्फ्लेशन सो रियल जी डीपी को हम यूज uh, करते हैं टू मेजर द एक्चुअल विदाउट एनी डिस्टॉक्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो डिफरेंस यही है बेसिकली नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में ये डिफ्लेशन है कि ये एक एडजस्टमेंट होता है फॉर uh, इन्फ्लेशन क्योंकि नॉमिनल जी जो है वो करंट uh, प्राइसेस पे कैल्कुलेट किया जाता है और इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती So, ये इकोनॉमी जो है बताया जा रहा है कि एफ वाई uh, के लिए इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी एट परसेंट पे एंड जो भी गवर्नमेंट uh, ने uh, जो लार्ज गवर्नमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश किए हैं तो उसकी वजह से uh, जो पब्लिक कंजम्पशन है वो पुश uh, होगा और वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा टू आर इकॉनमी टू आर जीडीपी ग्रोथ एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक मेंटेन uh, करके चले वो अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड एफ ड्यूरिंग टू टू फाइनेंशियल ईयर बिकॉज जो भी सेकेंड वेव जो आया है कोरोना का और अब हमें पता है कि हमें क्या मेजर्स लेने हैं हमारी इकोनॉमी को हमें कैसे कंट्रोल uh, uh, करना है मेंटेन करना है स्टेबिलिटी और हमारी इकोनॉमी uh, वैसे भी शेप्ड रिकवरी प्रोसेस में है वापस से ये रिकवर कर रही है सो so, जो भी इंपैक्ट होगा सेकेंड वेव का और उसको कैसे कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को और जो रियल जीडीपी ग्रोथ है उसको कैसे हमें लेकर चलना है तो ये सब हमें आरबीआई इसके लिए एक मॉनिटरी पॉलिसी स्टैंड लेगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी सो so, ये जो आर्टिकल है इसमें जो भी रिकमेंडेशन आई है फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन की विद रिगार्ड टू लोकल गवर्नमेंट उसके बारे में डिस्कशन किया गया है एंड यहाँ पे यूनियन फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या है सो so, आर्टिकल 280 के अंडर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको uh, एक फाइनेंस कमीशन uh, बनाने की uh, जरूरत है एट एन इंटरवल ऑफ फाइव यूनियन फाइनेंस का वो है रेक्टिफाई हॉरिजॉन्टल इमेस इन रिसोर्स और जो एक्सपेंडिचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स जो भी शेयर हैं यूनियन एंड स्टेट के उसको देखना एंड सेवेंटी थर्ड और सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनेंट उसमें थर्ड इफ लोकल गवर्नमेंट आते हैं पार्ट नाइन एंड नाइन ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट द यूनियन फाइनेंस कमीशन की वो जो रिसोर्सेज uh, है वह सप्लीमेंट करे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन यह तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रम पॉइंट ऑफ व्यू सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन के वो क्या हैं तो वर्टिकल डेवोल्यूशन जो है वो रिकमेंड किया गया है जो लोकल गवर्नमेंट को उसे काफी ज्यादा हाई रखा गया है वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होता है जो भी रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू तो स्टेट्स आते हैं वो वर्टिकल डेवोल्यूशन होते हैं एंड एक हॉरिजोंटल डेवोल्यूशन होता है जो अमंग स्टेट्स होता है तो इसे हॉरिजोंटल डेवोल्यूशन बोलते हैं So, और जो चेंज है वो एक ओवर आर्किंग सिलायंस होना चाहिए एक कोई भी ट्रांसफर सिस्टम का एक ओवर आर्किंग सिलायंस होना चाहिए विच इज डिजाइन टू बिल्ड अ वाइबल थर्ड टीयर टू इंडियन डेमोक्रेसी तो फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन ने जो शेयर है लोकल ग्रांट्स का वो रेस किया है बाय 60% और उनको लिंक किया है ड्रिंकिंग वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सैनिटेशन और अदर नेशनल प्रायोरिटीज इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो एंट्री लेवल है इनका क्राइटेरियन अवेल करने का यूनियन लोकल ग्रांट का तो बाय लोकल गवर्नमेंट वो बताया गया है आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जी आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डब्ल्यू एंड टू फोर्टी थ्री जेड डी है वो फंक्शनल uh, होता है जो बेसिक सर्विसेज का जैसे ड्रिंकिंग uh, वाटर हो गया पब्लिक केयर हो गया ये और शेड्यूल्स में uh, बताया गया है डिमांड बेटर पब्लिक सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एट लोकल लेवल तो पब्लिक सर्विसेज जो है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस है इसका जो डिलीवरी है इसको बेटर uh, करने की जरूरत है uh, ये इलेवेंथ और ट्वेल्थ शेड्यूल में भी बताया गया है एंड यहाँ पर उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी एस्पेक्ट है कि जो क्राइटेरिया यूज किया गया है फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन द्वारा जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो ग्रांट का टू स्टेट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट सो ये क्या है कि इसमें त्विन... पॉपुलेशन का जो 90% परसेंट है और जो एरिया है उसका 10% परसेंट वेटेज लिया गया है जो कि सेम क्राइटेरिया है जो फोर्टींथ फाइनेंस कमीशन ने फॉलो किया था ग्रांट्स uh, को स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सो so, यहां पे चेंज uh, नहीं लाया गया है कॉन्टिन्यूटी मेंटेन की गई है जिससे कि एक जो इक्विटी है और जो एफिशिएंसी है अकाउंटेबिलिटी है उसको साइडलाइन किया गया है एंड ये जो टैक्स एफर्ट क्राइटेरियन है जो कि इंसेंटिवाइज करता है डिपेंडेंसी इनफिशियंसी एंड नॉन अकाउंटेबिलिटी उसको बैंड किया गया है सो so, ये सारे पॉजिटिव आस्पेक्ट थे स्टेप दैट इनहेंसेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लास्ट वीक uh, जो uh, जो भी uh, एक एक्ट है हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ एनसीऑफ एक्ट इसको uh, जो पास किया गया है इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए थे सो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है इस uh, इसका जो अमेंडमेंट का जो एम है उसे बताया गया है कि वो सारी एम्बिगुटीज uh, जो भी आ रही हैं इन द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स और uh, जो एक कंस्ट्रक्टिव रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है स्टेक होल्डर्स के वो प्रोवाइड करेगा विद इन गवर्नमेंट ऑफ डेली ताकि वो एक uh, लय में चल सके यूनियन uh, गवर्नमेंट के साथ कोई भी एक तालमेल डेली और सेंटर के बीच में बन सके उसमें कोई भी डाउट uh, ना हो एम्बिगिटीज ना हो सो so क्लियर हो कि कौन क्या करेगा एंड ये जो एक चेंजेस uh, uh, इस अमेंडमेंट का जो एक बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो कंसिस्टेंसी है इन डेफिनेशन ऑफ द टर्म गवर्नमेंट इसलिए ये बनाया गया है कि गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है उसको क्लियर किया जा सके सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का देखें तो स्टेट जो है वो पार्टनर्स होते हैं नेशनल एजेंडा में एंड उनको भी प्लेटफॉर्म्स और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल कराने चाहिए ताकि वो सेंटर के साथ मिलजुल कर काम कर सके और ये होना बहुत जरूरी है जैसे क्रिएशन ऑफ नीति आयोग का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो नीति आयोग का क्रिएशन था जो एस्टेब्लिशमेंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की और जो रिस्ट्रक्चरिंग है सेंट्रल स्कीम्स की एक्सेप्टिंग द फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन फॉर ग्रेटर डेवल ये एग्जाम्पल हैं ताकि जिससे एक तालमेल बनता है जो इंस्टीट्यूशंस में और जो सेंटर और स्टेट्स में तो उसे काफी हेल्प मिलती है एक कंट्री को रन करने में एंड ये पार्टनरशिप मेंटेन करने के लिए एक एनवायरमेंट होना ट्रस्ट और म्यूचुअल कोऑपरेशन का एनवायरमेंट होना बहुत जरूरत है होना एंड ये जो डिस्टिंक्ट डिलिनेशन uh, है ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो रोल रिमूवल ऑफ एम्बिगिटीज है डेफिनेशन है एक क्लियर चेन ऑफ कमांड सो ये सारी चीजों को इस अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है एक क्लियरली uh, uh, सारे चीजों को रखा गया है कि ये ये चीजें uh, होंगी और ऐसे ऐसे होंगी तो इस अमेंडमेंट एक्ट में यही क्लैरिटी मेंटेन की गई है कि कोई दिक्कत ना हो सेंटर और दिल्ली के बीच में तो गवर्नमेंट ऑफ एन सी टी डेली है उसको पावर आ, की वो इनैक्ट कर सके लॉस को रिगार्डिंग तो एप्लीकेबल हो यूनियन टेरेटरी में जो भी आ, आ, लिस्ट में इंक्लूडेड है और वो यूनियन टेरेटरी में भी एप्लीकेबल हो तो वो पावर दी गई है इनैक्ट करने की गवर्नमेंट ऑफ एन सिटी डेली को सो तो अगर आ, और दिल्ली गवर्नमेंट के पास सिर्फ तीन चीजों को लेकर पावर नहीं है कि वो उन पर कोई लॉ इनेक्ट नहीं कर सकते और वो कौन कौन सी चीजें हैं पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड और लैंड सो इनको छोड़ के किसी और भी एस्पेक्ट में वो अपना लॉ इनेक्ट कर सकते हैं सो so, ये अमेंडमेंट एक्ट ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली में जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि यहां पर एक फंक्शनिंग गवर्नमेंट का डिजर्विंग फंक्शनिंग गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरत है क्योंकि एक नेशनल कैपिटल है और यहां पे आ, जो कंट्री का जो लेजिस्लेचर है जो यूनियन गवर्नमेंट की जो सीट है जुडिशरी है डिप्लोमेटिक मिशन है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है नेशनल इंपॉर्टेंस के सो so, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यूनियन टेरिटरी सो इसका स्मूथ फंक्शनिंग होना एंड इसमें एंबिगटीज ना हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स और जो भी सेंटर uh, और यूनियन टेरिटरी में सॉरी uh, सेंटर और यूनियन टेरिटरी में जो भी मिस एडवेंचर्स हैं जैसे दिल्ली में जो मिस एडवेंचर्स चल रहे हैं तो सरकार अच्छे से काम करे कोई दिक्कत ना हो उसमें कोई डाउट्स ना हो सो so इस uh, चीज को कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बराबर से सबको पता हो अपनी सो so ये चीजों को क्लियर करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है एंड दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरत है कि अच्छे से गवर्नमेंट रन करे एंड वो सेंटर के साथ सही तालमेल उनका बैठे एंटर द पीस प्रोग्रेस सो जो नाइन्थ हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुआ था तजिकिस्तान में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे उन्होंने बोला था कि इंडिया जो है इट हैज सपोर्टिव ऑफ ऑल एफर्ट्स बीइंग मेड टू एक्सेलरेट द डायलॉग और काफी सपोर्ट कर रही है इंडिया uh, uh, सारे एफर्ट्स को जो बनाए uh, जा रहे हैं कि एक्सेलरेट uh, किया जा सके डायलॉग्स को अफगान गवर्नमेंट और तालिबान में अफगान गवर्नमेंट और तालिबान में जो भी स्टेबिलिटी है पीस है वो मेंटेन की जा सकी की जा सके और ये सिग्नल uh, भी देती है एक शिफ्ट का इन न्यू डेलीज अप्रोच टूवर्ड्स दी अफगान क्राइसिस सो So 1990s में और 2000 में इंडिया ने जो एक क्लियरली स्टैंड लिया था कि वो अपोज कर रही थी कोई भी डीलिंग तालिबान के साथ लेकिन 2000 के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने अपना पोजीशन चेंज किया और इसने सपोर्ट किया जो यूनाइटेड लेड प्रोसेस है कि तालिबान के साथ जो भी डील है उनके साथ बात की जाए उन्हें एक साथ डील साइन की की जाए कि एक पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके अफगान और तालिबान के बीच में और एक नया पुश इससे भी आया है जो जो बिडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस की उन्होंने एक नया पीस पुश दिया है जिसमें दो की प्रपोजल्स हैं एक है यूनिटी ट्रांजिशन गवर्नमेंट बिटवीन द वॉरिंग पार्टीज एंड अ

काफी ज्यादा रूरल टेरिटरीज को कंट्रोल करती है सो so, यूएस ने ऑलरेडी साइन किया हुआ है एक तालिबान के साथ डील जिसमें अमेरिकन ट्रूब्स जो है वो वापस अफगानिस्तान से मे वन को आ जाएंगी एंड चाइना ने बहुत टाइम पहले तालिबान के साथ बात करने की कोशिश की है रशिया ने भी टॉक्स होस्ट किए हैं बिटवीन द टू साइड्स यूरोपियन पावर्स जो हैं उन लोगों ने भी इंटरेस्ट शो किया है इन स्पॉन्सरिंग टॉक्स तो काफी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि पीस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए और एक स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके डेवलपमेंट्स क्या हैं? तो जब से तालिबान का फॉल हुआ है इंडिया ने आ, काफी डीप टाइज मेंटेन किए हैं, कल्टीवेट किए हैं अफगान पीपल और उनके गवर्नमेंट के साथ और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं प्रोजेक्ट्स में जैसे एजुकेशन हो गया इस सेक्टर में पावर जनरेशन सेक्टर इरिगेशन और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स जो भी कंट्री में हुए हैं तो अफगानिस्तान में हमारी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो फर्स्ट बैच है जो वैक्सीन का जो अफगानिस्तान को मिला था वो इंडिया से था और ये फेबर में भेजा गया था इंडिया ने रिसेंटली साइन की है एक अग्रीमेंट टू बिल्ड टू बिल्ड द शहतूत डैम नियर काबुल सो so ये सारे पॉइंट्स uh, काफी इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सो so एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक और जो सिक्योरिटी टाइज है इनको डिसरप्ट uh, किया जा सकता है अगर इफ द तालिबान वर टू टेक ओवर सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक पीस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए एंड वे फॉरवर्ड है कि uh इंडिया का जो यहाँ पे रोल हो जाता है ज्वाइनिंग द पीस प्रोग्रेस यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अफगान गवर्नमेंट है वो अभी एक पोजीशन है जो उनकी वो एक वीक पोजीशन है तो यहाँ पे अगर इंडिया इन का उनको साथ मिल जाता है तो ये स्ट्रेंदन करेगा अफगान गवर्नमेंट को भी और इंडिया और अफगान के रिलेशन्स को भी और न्यू डेली जो है वो अपनी पार को इन्फ्लुएंस कर सकती है मतलब ये जो deep ties है, जो जो हैं उनके साथ इंडिया के के यूएस और के साथ, तो उसे ये कर सकती है, ताकि एक तो डबल पीस जो है उसे अचीव किया जा सके बोथ इनसाइड अफगानिस्तान एंड इन द रीजन और स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके प्रिलम्बाइट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसका एम जो है वो क्रिएशन ऑफ ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियो इंडिया की नेचुरल रिसोर्स एंडोमेंट है और जो इंडिया के जो ब्रांड्स है इंडियन ब्रांड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट उसको सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का ये है सपोर्ट करना फूड मैन्युफेक्चरिंग एंटिटीज को विथ स्टिपुलेटेड मिनिमम सेल्स और विलिंग टू मेक मिनिमम स्टिपुलेटेड स्टिपुलेटेड इन्वेस्टमेंट ताकि एक्सपेंशन जो है प्रोसेसिंग कैपेसिटी का एंड जो ब्रांडिंग है abroad में उसको इंसेंटिवाइज की जा सके और इंडिया को स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड uh, इसको एमरजेंस हो सके इंडिया के जो ब्रांड्स है वो स्ट्रांगली एमर्ज हो सके इंटरनेशनल मार्केट में एम प्राइम ये लॉन्च की गई थी नीति आयोग द्वारा विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन So, इसका फुल फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड ऑनरप्रेन्योरशिप इसका एम है प्रमोट करना और सपोर्ट करना साइंस बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप्स को और वेंचर्स को पूरे इंडिया में ये इंप्लीमेंट किया जाएगा वेंचर सेंटर द्वारा ये एक नॉन प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर है सेकेंड अप्रैल ट्वेंटी पाकिस्तान ने फ्रीज कर दिए हैं प्लान को जो उन्होंने आ, ओपन करने के लिए बोला था इंपोर्ट्स को फ्रॉम इंडिया आ, लास्ट की हमने जो न्यूज पढ़ी है फर्स्ट अप्रैल की उसमें बताया था कि पाकिस्तान ने डी फ्रीज कर दिया है प्लान्स ताकि वो इंपोर्ट कर सके इंडिया से लेकिन अभी फ्रीज कर दिया है वापस से प्लान टू तो ओपन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सो so, इन्होंने डी रेफर कर दिया है डिसीजन को जिसमें ये अलाउ कर रहे थे इंपोर्ट ऑफ कॉटन एंड शुगर फ्रॉम इंडिया सो ये जो डिसीजन था जो न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के उन्होंने बोला है कि ये जो डिसीजन था वो क्लियर किया गया था इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल द्वारा जो कि इंडिया से इंपोर्ट्स को देखते हैं एंड ये सस्पेंड uh, uh, किया गया था 2019 अगस्त तक सो so, ये जो मूव है ये क्यों लिया गया था जो डी फ्रीज करने का मूव uh, जैसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इंडियन शुगर जो है और कॉटन जो है उनको uh, उनकी जरूरत है पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को सो so, यहाँ पे लो uh, लो ईल्ड हुई है पाकिस्तान में शुगर और कॉटन की इसलिए इनको इंपोर्ट करने की बात की जा रही थी लेकिन अभी बोला जा रहा है कि इस मैटर पे और भी ज्यादा डिबेट होने की जरूरत है सो अभी ये प्लान फ्रीज कर दिया गया है वापस से अब ये इनका स्टैंड है बिम्स्टेक मीट स्कर्ट्स म्यांमार वायलेंस सो so, रिसेंटली बिम्स्टेक मीट जो है वो वर्चुअली हेल्ड की गई थी सो so, बिम्सटेक क्या है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सेवन नेशंस का ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया और इसमें 1.5 बिलियन लोग हैं वो हैं मतलब जो सेवन नेशंस है उनकी पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन सो हैविंग अ कंबाइंड जीडीपी ऑफ 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स 2018 का ये आ, 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 डेटा है सो की पॉइंट्स क्या है इंडिया जो है बिम्स्टेक मीट पे उसने एक्सप्रेस किया है अपना कमिटमेंट टू टेक बंगाल कम्युनिटी टू न्यू हाइट्स तो ये जो कम्युनिटी है बिमस्टेक की इसे नए हाइट्स तक लेके जाना है सो so म्यांमार ने विटनेस किया है लार्ज स्केल क्रैकडाउन अगेंस्ट एंटी मिलिट्री प्रोटेस्टर्स सो म्यांमार में जो रोहिंग्या क्राइसिस चल रहा था सो so, उसकी वजह से काफी ज्यादा जो कंट्रीज के बीच में बिटरनेस आ गई थी म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में तो काफी डिफिकल्ट हो गया था बिम्स्टिक का जो गोल है उसे अचीव करने में साथ में रहने में और एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे टॉक्स करने में दिस अफेक्टेड वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक जो कॉमन चार्टर है उसे भी डेवलप करने में काफी दिक्कतें आ रही थी बिमस्टेक मैंने आपको बताया इसमें मेंबर्स जो हैं वो लिटरल एंड एडजेसेंट एरियाज जो है बे ऑफ बंगाल के उसके हैं और ये मेंबर्स है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल श्रीलंका म्यांमार एंड थाईलैंड रावत लॉन्चेज ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स हब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया थर्ड ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स नोड जेएलएन इन मुंबई सो ये लॉन्च किया गया था एज पार्ट ऑफ मेजर्स टू बूस्ट ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ये कैसे काम करते हैं ये जो ज्वाइंट लॉजिस्टिक्स हब है ये प्रोवाइड करेंगे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कवर आर्म्ड फोर्सेस को uh, ताकि जो उनके स्मॉल आर्म है रेशन है फ्यूल है जनरल स्टोर्स है जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटीज हैं उन सबको एक सपोर्ट मिल सके ताकि सिनर्जाइज किया स, जा सके उनके ऑपरेशनल एफर्ट्स को इट अक्रू एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ सेविंग ऑफ मैन पावर इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिसाइड फाइनेंशियल सेविंग्स तो काफी Uh, ये हेल्प मिलेगी सपोर्ट करेगा और एडवांटेजेस भी हैं इसके लॉजिस्टिक्स uh, हब्स के। वीजा एक्सपायर। सो व्हाइट हाउस ने अलाउ कर दिया है 2020 बैन ऑन एच वन बी स्किल्ड वर्कर एंड सर्टेन अदर टेम्पररी वीजा वो मार्च थर्टी को एक्सपायर होंगे एच वन बी वीजा जो है ये यूज किए जाते हैं इंडियन प्रोफेशनल्स द्वारा ज्यादातर Uh, किसी भी नेशनैलिटी देन एनी अदर नेशनैलिटी और ये सस्पेंड कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो कि प्रेसिडेंट थे जून में लास्ट ईयर ताकि अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट की जा सके इंडिया से uh, काफी लोग अमेरिका जाते हैं जॉब्स के सर्च में तो अमेरिकन जॉब्स अमेरिकन लोगों को मिले इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सस्पेंड कर दिया था सो so, वीजा जो है फॉर इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एक्सचेंज विजिटर्स टेम्प्री नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड डिपेंडेंस इनसे इन, इन सबको काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था जो भी एक्सपायरिंग बैन सो बैन जो है एक्सपायर की गई है लेकिन जो कुछ वर्कर्स है जो यूएस में ट्रेवल करना चाहते हैं अभी वो पेंडेमिक के लिए पेंडेमिक टाइम में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन है रीजन्स पे और कंट्रीज पे इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका मोस्ट ऑफ यूरोप एंड ब्राजील इन सब पे काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है तब तक तो इस वजह से भी uh, काफी वर्कर्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे यूएस में एन एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन एक प्ली फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में जिसमें चैलेंज किया गया है सेक्शन थ्री और फोर

प्रोवाइड करता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप जैसा कि ये एग्जिस्ट करता था 15 अगस्त 1947 पे मतलब 15 अगस्त 1947 पे अगर किसी जगह पे कोई मंदिर बनाया मस्जिद बनाया चर्च बनाया तो उसका कोई भी कन्वर्जन उसके बाद नहीं हो सकता है तो यहां पर ये प्ली फाइल की गई है है कि unconstitutional है और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है Section 5 जो है है 1991 का वो कहता है कि कोई भी अपील uh, 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 और अदर प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू दैट प्लेस और प्लेस ऑफ वर्शिप और यहाँ पे राम जन्मभूमि का और बाबरी मस्जिद का एग्जाम्पल दिया गया है सो so, ये जो एक्ट का जो मेन मेन एम जो है वो बोला जा रहा है कि अल्ट्रा वायर्स है ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बियॉन्ड दी फंडामेंटल राइट्स है एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट है एंड जो उनके द्वारा फंडामेंटल राइट्स की जो गारंटी है सो so इसके भी अगेंस्ट जाता है आर्टिकल 32 जो है जिसके द्वारा आर्टिकल 32 एक सोल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन uh, कॉन्स्टिट्यूशन का इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर दी जाती है जिससे वो इशू रि, रिट्स को इशू करते हैं आ, ताकि एनफोर्स किए जा सके फंडामेंटल राइट्स ड बाई दर्ड ऑफ दूशन और जो जुडिसक्शन कन्फर्म कन्फर्म की गई है सुप्रीम कोर्ट पे अंडर आर्टिकल थर्टी टू और हाई कोर्ट पे आर्टिकल टू ट्वेंटी सिक्स द्वारा उसमें बोला गया है कि जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का ये इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट में है अगर एक्सक्लूड करता, करता है कर्टेल करता है ठीक है नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूड और कर्टेल करटेल पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं कर सकते ये एक्सक्लूड या कर्टेल नहीं कर सकते इस पावर को विद रिगार्ड टू द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इसलिए इसको एन एक्ट ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोला जा रहा है क्योंकि जब हम कोई काम यहां पर ये इसलिए रेफरेंस दिया गया है क्योंकि अगर हम कोई काम सीधे तरीके से नहीं कर पा रहे तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उसे इनडायरेक्टली करेंगे तो इसलिए ये यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन और जो आर्टिकल ट्वेंटी सिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेटेड है टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ और एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देआर ऑफ

प्लेसेज ऑफ़ वर्शिप एक्ट नाइन नाइन वन सो इसके तहत आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ऑन द रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप तो ये फंडामेंटल राइट right जो है हमारे आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स और जो आर्टिकल थर्टी टू है इसके अगेंस्ट जाता है क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो और ये सुप्रीम कोर्ट जो है बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना चाहिए ये इनके पावर्स को भी प्रोहिबिट करता है इनके पावर्स को भी कम करता है एंड ये एक जो मेलिफाइड है ये अनरीजनेबल है और आर्बिट्रेरी है क्योंकि ये जो हमारा राइट uh, right है फंडामेंटल राइट टू प्रे एंड परफॉर्म रिलीजियस प्रैक्टिस एज गारंटेड बाय आर्टिकल 25 एंड 26, सो उनके अगेंस्ट है और सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक एक उनके पास एक आ, पावर भी है कि ये कोई भी एक आ, पास कर सकते हैं ऑर्डर टू कैरी आउट फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस बीइंग इन द द पब्लिक इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इश्यू सामने आया है तो कोई भी क्वेश्चन इनसे बन सकता है एंड ये आर्टिकल वन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सुप्रीम कोर्ट को एक अपना स्टैंड लेना चाहिए बताना चाहिए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल uh, uh, है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन फिल्म बाइट्स दादा साहब फाल्के अवार्ड इट इज कंट्रीज़ हाइएस्ट फिल्म ऑनर जो कन्फर्म किया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा इंट्रोड्यूस किया गया था इसे 1969 में एंड फर्स्ट टाइम ये देविका रानी जी को अवार्ड किया था जिन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा बोला जाता है रजनीकांत जी को इस बार फिफ्टी दादा साहेब फालके अवार्डी नाइनटीन मिलेगा माई एनईपी ट्वेंटी ट्वेंटी पोर्टल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है माई नेप ट्वेंटी ट्वेंटी प्लेटफॉर्म फॉर एनसी वेब पोर्टल ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें सजेशन इनपुट और मेंबरशिप को इन्वाइट किया जाएगा फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स ताकि ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया जा सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एंड नेशनल मिशन फॉर मैंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप थर्ड अप्रिल सुप्रीम so कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस होते हैं तो वहां पे मैकेनिकली बेल को ग्रांट करना नहीं चाहिए एक केस सामने आया है जहां पे केरला हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक एक्यूज़ एक को, जिसने एक 30 साल के डेंटिस्ट को स्टैब किया था और उसके पापा के सामने उसको मारा था तो ये जो उसने हत्या की थी सो so, यहाँ पे ट्रायल कोर्ट जो है उन्होंने उसको बेल डिनाई कर दिया उस एक्यूज़ को लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सेट, आ, फ्री सेट कर दिया सेट हिमेंट लिबर्टी सो so, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो नेचर ऑफ ऑफेंस है ये बेसिक वन ऑफ बेसिक कंसिडरेशन है जब भी बेल के लिए कोई ग्रांट होता है बेल किसी को तो नेचर ऑफ ऑफेंस बहुत ज्यादा कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि वो कितना ज्यादा हीनस है या जो उससे क्या होता है कि जो रिजेक्शन के जो चांसेस है बेल के काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड यहां पर जब ग्रांट की जाती है बेल कोर्ट द्वारा तो यहाँ पे ना ही नेचर ऑफ एक्शन को दिमाग में रखना चाहिए लेकिन जो सिवियरिटी है पनिशमेंट की उसको भी दिमाग में रखना चाहिए और जो ये बेल ग्रांट होता है वो जजेस के डिस्क्रिप्शन पे होता है सो सीरियसनेस ऑफ चार्ज एक बेसिक कंसिडरेशन होना चाहिए बिफोर रिलीजिंग एन ऑन बेल मेटर्नल डेथ रोज ड्यूरिंग पेंडेमिक एक स्टडी अबाउट मेटर्नल हेल्थ पब्लिश की गई है इन द लैंड ग्लोबल हेल्थ जर्नल रिपोर्ट एक एनालिसिस है, 40 स्टडीज़ जो 17 कंट्रीज़ में की जाती है इंक्लूडिंग ब्राजील मेक्सिको एंड अदर कंट्रीज सो फेलियर जो है हेल्थ सिस्टम का टू कोप विथ कोविड 19 पेंडेमिक इसमें इसने रिजल्ट किया है इसके द्वारा एक रिजल्ट uh, क्या हुआ है कि इंक्रीज हुआ है मेटर्नल डेथ और स्टिल बर्थ्स में 20% 28% इंक्रीज देखा गया है इन ऑड्स ऑफ स्टेल्ड बर्थ और जो रिस्क है मदर्स को जो प्रेगनेंसी के टाइम जिनकी डेथ हो रही है वो बढ़ गई है चाइल्ड बर्थ जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय अबाउट वन थर्ड सो राइज मेटरनल डिप्रेशन में भी काफी ज्यादा राइज हुआ है कोविड 19 की वजह से एंड कोविड 19 का जो इंपैक्ट है वो प्रेगनेंसी आउटकम्स पे भी दिख रहा है बहुत डिस दिख रहा है और पुरर कंट्रीज पे ज्यादा है ये सो so, ये जो स्टडी है ये वर्सनिंग जो ट्रेंड है टू तो द फेलियर ऑफ इनफिशी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड देयर इनएबिलिटी टू कोप विद पेंडेमिक ये ये भी ये करता है शो करता है कि कितनी ज्यादा यहाँ पे इनएफिशिएंसी हो रही है हेल्थ केयर सिस्टम में और हम पेंडेमिक से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं इनएबिलिटी है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो हेल्थ केयर है उसको काफी सपोर्ट करने की जरूरत है इसमें इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है और प्रॉपर स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि मेटर्नल डेथ्स को रोका जा सके इंडिया कॉन्टेक्सट एक एनालिसिस जो है एच एम आई एस डेटा का बाय पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इसमें दिखाया गया है कि जो नेशनल लॉकडाउन था अप्रैल और जून में उसमें और जो 2019 है एक ट्वेंटी सेवन परसेंट ड्रॉप है 28 वुमेविंग डिक्लाइन है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में और 22 डिक्लाइन है प्री सर्विसेज में सो दिए गए हैं कि पॉलिसी मेकर्स और जो हेल्थ केयर लीडर्स हैं उनको काफी अर्जेंटली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और जो स्ट्रैटेजी हैं उनको अपनाने की जरूरत है ताकि एक सेफ और रिस्पेक्टफुल मेटर्नल केयर प्रोवाइड कराई जा सके इवन ड्यूरिंग द ऑन ग्लोबल इमरजेंसी इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है ताकि जो इन्वेस्टमेंट uh, है टू अवॉइड रोलिंग बैक डेकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिड्यूसिंग मदर एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी इन लो रिसोर्स सेटिंग पर्सनल फॉर मेटर्निटी सर्विसेज नॉट टू बी री डिप्लॉयड फॉर अदर क्रिटिकल एंड मेडिकल केयर ड्यूरिंग दी पेंडेमिक सो जो भी मेटर्नल सर्विसेज में पर्सनल होते हैं जो भी स्टाफ होता है उनको कहीं और डिप्लॉय करने की नहीं चाहिए करना क्योंकि इनको उतनी ही ध्यान की जरूरत है जिस वजह से इनपे ध्यान दिया जा सके और जितने भी हम एक्सीडेंट्स हैं हैं या जो भी हम रोक रोक सकते हैं वो रोक सके और प्रॉपर अटेंशन और केयर मेटर्निटी सर्विसेज को दी जा सके एक अर्ली अंडरस्टैंडिंग होना ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इससे क्या होगा कि एक अफेक्टिव साइंस ड्रिवन रिस्पांस मिलेगा जिससे कि हम इन डेथ्स को कम कर सकेंगे कोविड 19 से जो भी हो रही है सो so, इशू क्या है कि ये जो सर्ज आया है जो वेरिएंट्स द्वारा ओरिजिनल जो वायरस है उसके जो वेरिएंट्स द्वारा एक इंक्रीज आया है केसेस में करंट वेव सो ये जो करंट सर्ज है ये देखा जा रहा है कोविड 19 का ज्यादातर यंगर एडल्ट्स में और इसके जो सिम्टम्स है वो काफी अनयूजल है एज वेल एज वेरियंट भी है बहुत सारे कोरोना जो स्टार्ट हुआ था तो बोला जा रहा था कि ये ओल्ड ओल्ड पीपल को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है लेकिन अभी जो नया वेरिएंट आया, आया है ये जो करंट सर्ज आया है ये यंगर एडल्ट्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है एंड इंडिया के पास एक हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो इंडिया अभी तक अचीव नहीं कर पाया है सो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इसको हम पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी बोलते हैं सो so, ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन है फ्रॉम एन इंफेक्शियस डिजीज दैट अ पॉपुलेशन इज इम्यून इधर थ्रू वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी डेवलप्ड थ्रू प्रीवियस इंफेक्शन सो ये हर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि इंडिया अभी तक अचीव नहीं कर पाया है और जो एंटीबॉडीज डेवेलप uh, होती है अर्बन पॉपुलेशन में वो काफी नहीं होती प्रोटेक्शन करने का विच इज रिक्वायर्ड फॉर हर्ड इम्यूनिटी सो so, इंडिया को क्या जरूरत है करने की इंडिया को जरूरत है अपनी क्वांटिटी क्वालिटी और पब्लिक अवेलेबिलिटी है जो एक्चुअल डेटा की ताकि उससे डिसीजन मेकिंग में गाइड की जा सके उसे बढ़ाने की बेटर अंडरस्टैंडिंग होने की यूनिक पैटर्न के जो भी वायरल ट्रांसमिशन हो रहे हैं इंडिया में जो जो भी डेटा है डेमोग्राफिक और जो भी डिटेल्स है रिस्क डिटेल्स सारे पॉजिटिव केसेस की उन्हें एक सेंट्रल वेबसाइट में हर एक स्टेट के होना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे एंड एक जो सीक्वेंसिंग है ऑफ दी वायरल जीनोम सो विच कैन बी अचीव्ड बाय रीप्रोग्रामिंग सीक्वेंसिंग कैपेसिटी वो इंडिया के एकेडमिक एंड कमर्शियल लेबोरेटरीज में उसकी जरूरत है लाने की सो so, रिपोर्टिंग uh, करना भी बहुत जरूरी है कोविड 19 डेथ्स की एक लार्जर और बेटर सेट ऑफ सीरियल सर्वेज करने की रिक्वायरमेंट है सो so, बाकी कंट्रीज से भी हम सीख सकते हैं जैसे वियतनाम और थाईलैंड में जहाँ पे कोविड 19 इन्फेक्शन और डेथ लेवल्स जो है काफी लो है उनसे हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है कौन कौन से स्ट्रैटेजीज ली कौन कौन से स्टेप्स अपनाए सो इंडिया को एक नेशन वाइड वैक्सीनेशन ड्राइव लाने की लॉन्च करने की जरूरत है जो कि इंडिया अभी कर भी रहा है सो so, यहाँ पर एडल्ट और चाइल्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो बहुत एसेंशियल हो जाते हैं टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर पेंडामिक्स और इसे लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि कोविड 19 वैक्सीनेशन इज अ सेफ प्रोसेस और ये सबको वैक्सीनेशन uh, प्रोसेस करना चाहिए सो so, जो भी रिसर्जेंस है कोविड नाइन्टीन का ये एक मेजर चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए लेकिन अभी जो होप हमें दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमें पब्लिक और पब्लिक सेल्फ पब्लिक बिल्ड कॉन्फिडेंस लाना है पब्लिक एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस विद द द दैट वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बेनिफिट ऑल लोगों में कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है उनको उनमें ट्रस्ट लाने की कोऑपरेशन सपोर्ट लोगों का हमें चाहिए तो जिसकी वजह से हमें उन्हें समझाना है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो सारे इंडियंस को बेनिफिट करेगा और इससे हम कोरोना से भी काफी हद तक लड़ सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री so, ने इट हैज पुट टू रेस्ट ऑल स्पेक्युलेशन अबाउट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो गाइड करेगा इंटरेस्ट रेट डिसीजन को ऑफ द आर बी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ये हमने सेकेंड अप्रैल में न्यूज लेटर जर्नल में ऑलरेडी अभी पढ़ा था सो so, Uh, जो भी अप्रैल वन से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन आरबीआई के उसमें इन्फ्लेशन टारगेट uh, के जो भी स्पेकुलेशन है उसे क्लियर किया गया है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक वेलकम स्टेप है इन रीट रेटिंग दैट इन्फ्लेशन टारगेट रिमेन्स द सेंटर पीस मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का सेंटर पीस जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमेशा रहेगा और ये सिग्नल देता है कि जो फिजिकल और मॉनेटरी अथॉरिटीज है वो एक लॉक स्टेप में है ताकि जो प्रिमेसी है प्राइस स्टेबिलिटी की उसे मेंटेन किया जा सके और ये बेडरॉक है फॉर ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो यहाँ लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा जो शो करता है रिटेल इन्फ्लेशन uh, वो बताया गया फैक्ट की और इन्फ्लेशन टारगेटिंग टारगेट फार लोअर देन द ट्रेंड रिस्क ऑफ इम्पार्टिंग डिफ्लेशनरी बायस दैट वुड डॉप इकोनॉमिक मोमेंटम वाइल अ गोल मच अब देंड गुड एंड जेंडर एक्सपेंजनरी मॉनिटरी कंडीशन दैट वुड लाइकली लीड टू इन्फ्लेशन शॉर्स सो इनफ्लेशन टारगेटिंग के बारे में बताया गया है ताकि जो गोल है उसे अचीव किया जा सके मच अब देंड गुड एंड एंड जेंडर एक्सपेंजनरी मॉनिटरी कंडीशन प्रिल्म बाइट्स वर्ल्ड साइट्स तो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम सो डब्ल्यू सी सी एफ इनेबल करता है पॉलिसी मेकर्स को मेंबर स्टेट्स के कि वो अपने रिसर्च और इंटेलिजेंस को शेयर करें वाइल एक्सप्लोरिंग द वाइटल रोल ऑफ कल्चर इन प्रोस्पैरिटी तो ये जो फोरम है मेंबर्स का ये कोलाबोरेट करता है वाया प्रोग्राम ऑफ इवेंट्स जिसमें सिंपोसिया रीजनल समिट्स और वर्कशॉप्स होते हैं ये फोरम ट्वेंटी में बिगैन हुआ था विद एट मेंबर्स इसका नेटवर्क फोर्टी की सिटीज में है लंडन हॉन्गकॉन्ग एम्स्टर्डम कैप केप टाउन सॉरी और बाकी सारी कंट्रीज uh, इस ईयर की थीम है फ्यूचर ऑफ कल्चर और अरविंद केजरीवाल हैज बीन इनवाइटेड बाय मेयर ऑफ लंडन टू रिप्रेजेंट दिल्ली एट फोरम दोग्रो उग्र 2021 ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है बांग्लादेश की इंडियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करेगी इस साल और ये बांग्लादेश में हेल्ड किया जाएगा आ, ताकि वहां पर जो फादर ऑफ नेशन है जो बांग्लादेश के आ, उनकी बर्थ सेंटनरी मनाई जा सके आ, बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान एंड मिलिट्री ऑब्जर्वर्स जो रहेंगे वो यूएसए यूके टर्की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कुैत सिंगापुर से रहेंगे सो so ये थे हमारे न्यूज लेटर जर्नल्स एंड आप अच्छे से पढ़ें अच्छे से समझें और जो टॉपिक समझ नहीं आते वापस स्लाइड्स में जाके उन्हें और ध्यान से पढ़ें और वीडियो सुने एंड कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं एंड कीप स्टडिंग कीप लर्निंग लेट्स क्रैक यूपीएससी विद वन पी एस सी ऑल द बेस्ट